वैसे तो ये बात पवन के सभी फैंस जानते ही हैं कि वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से करते हैं। हाल ही में जब वो काजल राघवानी के लाइव वीडियो शो का हिस्सा बने थे, तब भी पवन ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि वो अपनी माँ से हमेशा ही प्यार करते रहेंगे, वो ही उनका पहला और आखिरी प्यार है। आप भी सुनिए पवन ने अपनी माँ को लेकर क्या कुछ कहा था। जब से मैंने होश संभाला और जो अभी प्रेजेंट में हूँ, और जब तक इस धरती पे रहूंगा, जब तक इस शरीर में जान है, मुझे मेरे लिए माँ से प्यारा कोई ना था, ना है, ना कभी हो सकता है। लेकिन इसी के साथ पवन ने काजल के सवाल का जवाब देते हुए अपने जवानी के दिनों का भी मजेदार किस्सा सुनाया। मतलब जवानी के स्टार्टिंग था, बस वो क्या बोलते हैं, बस वो मेरे भैया के शादी में, मेरे बड़े भैया के शादी में राजदूत दहेज गाड़ी मिली थी, तो मैं उसको मतलब एक लड़की को देख के ही मैं मतलब उस गाड़ी को चलाना सीखा, चाचा से मार खा खा के। जब भी देखते थे चाचा ना, मुझे बहुत मारते थे, गाड़ी चलाओगे, लेकिन फिर भी मैं चलाता था और उसको देख के स्टाइल मारता था, भले गाड़ी तेज चले चाहे ना चले, लेकिन स्लेटर हाय हाय पूरा कि देखे देखो मुझे कि मैं कितना स्टाइलिश हूं। लेकिन उससे लगाव तो था, उससे लगाव था। पहली बार उसको देख के लगा कि मैं इससे आई लव यू सुनूंगा, मुझे इससे प्यार करना है। जैसे मतलब थोड़ा सा फील आना शुरू हुआ, पता चला दूसरे के साथ भाग गई। सुना ना आपने भी, भाई वाकई पवन का ये किस्सा जितना मजेदार था उतना ही हैरान करने वाला भी, क्योंकि इससे पहले पवन के फैंस को उनके इस किस्से के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन पावर स्टार है ही ऐसे, जब अपने फैंस के साथ बातें शेयर करते हैं तो दिल खोल कर रख देते हैं। आपको पवन का ये मजेदार किस्सा कितना पसंद आया, जरूर बताइए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।